फ्रेंड, आई एम हेतल चांद्रा। आज हम लोग स्टेप कट करेंगे। जैसे आज तक आपको मैं बताती आ रही हूँ स्ट्रेट कट, यू कट, तो वैसे ही आज हम लोग स्टेप कट करेंगे। स्टेप कट के बाद एक मैं ऐसा हेयर कट बताने वाली हूँ जो एडवांस है, आप उसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ऐसे तो उसको डायमंड कट भी बोलते हैं, मगर वो वाला हेयर कट ऐसा है कि आप स्टेप कट, लेयर कट से भी बेस्ट लगता है। आप क्लाइंट को एक बार करके दोगे तो आपके क्लाइंट जरूर से वो हेयर से खुश हो जाएंगे, और वो वाला हेयर कट जरूर से एक बार ट्राई करना। और इजी है, बहुत हार्ड नहीं है वो कट करना, तो वो आपको मैं बेहतर बताऊंगी। वो वाला कट जरूर से करना, और स्टेप कट भी अभी मैं बता रही हूँ, तो आप दोनों चीज़ का एक बार जरूर से ट्राई करना। चलो अभी हम लोग हेयर कट शुरू कर रहे हैं, तो अभी प्रॉपरली वीडियो देखना, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। फ्रेंड, अभी हम लोग स्टेप कट कर रहे हैं, तो उसके लिए सेम सेक्शन लेने हैं, ईयर टू ईयर फोर सेक्शन डिवाइड करने हैं। तो अभी हम लोग सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं। और फ्रेंड, मुझे आपको एक चीज़ और ये भी बतानी है कि आज मेरा 1 वीक से तबीयत ख़राब है, मैं मेरे सलून पे नहीं जा पा रही, तो भी आपके लिए डेली मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं घर पे ही वीडियो बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको सलून वाला जो मेरा वाइफ है वो आपको नहीं दिखने मिलेगा, तो ये चीज़ मैं अभी घर पे ही वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे घर का ही पूरा ये वॉल वगैरह है तो वही दिखेगा। चलो अभी हम लोग, जैसे अभी मैंने मिडल सेक्शन लिया है फ्रंट में, वही अभी हम लोग ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे। सेम वही लेना है जैसे हम लोग ने स्ट्रेट कट, यू कट के लिए लिया था। दोनों साइड लेना है। अभी वापस बैक साइड में भी हम लोग मिडल पार्टीशन लेंगे। कट के टाइम पे ही बताया था कि स्टेप कट के लिए अपना बेस ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि हम लोग ने यू कट इसमें कर लिया है। मगर आपके पास जब भी क्लाइंट के वर्जिन हेयर आते हैं तो पहले सबसे पहले यू कट करना है, उसके बाद ही स्टेप कट करना है। तो अपने पास तो ऑलरेडी यू कट है, क्योंकि मैंने पहले यू कट इसके ऊपर कर लिया है। तो यू कट का भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चैनल पे देख सकते हो, मैंने यू कट का वीडियो अपलोड किया है। फ्रेंड, मैंने यू कट में भी बताया है सेक्शन कभी भी आपको ऐसे क्लिप करके रख देना है। फ्रेंड, अभी जो हम लोग ने फ्रंट में ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है उसको क्लिप कर देना है। और क्लिप कैसे करना है मैं देख सकते हो। फ्रेंड, अभी मैं दूसरे साइड का भी सेक्शन ऐसे ही क्लिप करके रख रही हूँ। दोनों साइड के सेक्शन को क्लिप कर देना है फ्रंट के, क्योंकि अपने को अभी फ्रंट में हेयर कुछ कट नहीं करने हैं, हम लोग को बैक साइड में ही हेयर कट करने हैं, तो इसके लिए मैंने क्लिप कर दिए। अभी सबसे पहले हम लोग को कल की तरह मिडल पार्टीशन लेना है। तो अपने टोटल कितने हो गए, 4 डिवाइस हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, 4 डिवाइस हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 1/2 इंच यहाँ से लेंगे, जैसे हम लोग ने यू कट के लिए लिया था वैसे ही सेम लेना है। 1/2 इंच दूसरी साइड से लेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से 1/2 इंच 1/2 इंच लिया है। अभी मैं इसको वॉर्म करूँगी। अभी हम लोग के पास 0 डिग्री वाला तो हेयर कट है, आपको जो मैं बता रही थी ना 0 डिग्री, तो अभी ये 0 डिग्री हम लोग ने यू कट पे कर दिया है। अभी हम लोग करेंगे 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 20 डिग्री के लिए हम लोग को कैसे पकड़ना है, 20 डिग्री के लिए हम लोग को कैसे पकड़ना है, समझ लो ये मेरे क्लाइंट हैं, तो इनकी जो चेयर है तो वहाँ पे अपने बाल 0 डिग्री ऐसे आने चाहिए। अभी 20 डिग्री के लिए लाइटली स्लाइड लेने हैं, ऊपर साइड लेने हैं, और ऐसे हाथ को कैसे रखना है ऐसे। कोई कोई क्या कर देते हैं 20 डिग्री में कॉम ऐसे करते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, तो ये वाला हेयर कट करोगे तो कभी भी स्टेप कट क्लियर और अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए कॉम को खड़ा रखना है, एक साइड से कॉम करनी है, दूसरी साइड से फिंगर के सीजर बना के ऐसे कैची से सीजर बना के ऐसे पकड़ना है। अभी पकड़ लिया, मेरे पास गाइडलाइन ये रहा, ये मेरा गाइडलाइन है। अभी मैं इससे ही स्टेप कट लूँगी, तो मैं 20 डिग्री पे पकड़ रही हूँ, देख सकते हो 20 डिग्री के लिए मैं पूरा स्ट्रेट कॉम कर रही हूँ, और ऐसे बालों का एक फ्लैट पट्टी बनना चाहिए। कभी भी आप कॉम करते हो तो ऐसे प्रॉपर बालों का फ्लैट पट्टी बनना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे,
ऊपर साइड हेयर कट करेंगे। ऊपर साइड के लिए ये मेरा गाइडलाइन है। गाइडलाइन को छोड़ के मैं अभी जैसे आपको मैंने बताया था यू कट में कि हाफ इंच फिंगर पीछे रखनी है और ऐसे ही ऊपर साइड हेयर कट करेंगे। जो आपको मैंने पहले बताया वो वाली मिस्टेक कभी भी मत करना। वो वाला मिस्टेक करोगे तो आपके स्टेप कट कभी अच्छे नहीं आएंगे। कॉम करने का तरीका एक यही है, आप इसी तरीके से कॉम करके हेयर कट करोगे तो स्टेप कट बहुत अच्छे आएंगे। आप देख सकते हो मैंने अभी खाली 20 डिग्री पे किया है, तो भी मेरे स्टेप कट देख सकते हो आप। अभी मैं 40 डिग्री करूँगी, जो एकदम स्ट्रेट पकड़ते हैं इसको बोलते हैं 40 डिग्री। 20, 40, 90 ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके स्टेप कट बहुत अच्छे आएंगे। अभी मैंने 40 डिग्री पकड़ा है, सेम वैसे ही वन साइड से कॉम की हूँ, एक साइड से मैं सीजर बना के मेरे हाथों से ऐसे बालों को पकड़ी हूँ। अभी मेरी गाइडलाइन ये रही, ये मेरे एक्स्ट्रा हेयर है, इसको मैं कट कर रही हूँ। सेम ऐसे ही हाफ इंच फिंगर पीछे रखा है, लाइटली स्लाइड ऊपर लेके जाती हूँ और ऐसे हेयर कट कर रही हूँ। ये अपना हो गया 40 डिग्री वाला हेयर कट। देखो अभी कितने अच्छे स्टेप आ गए, ये 40 का, ये 20 का और ये 0 का। अभी हम लोग करेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम लोग को पूरे बालों को ऊपर लेके जाना है। स्टॉप। अभी हम लोग 90 डिग्री करेंगे। 90 डिग्री के लिए पूरे बालों को ऊपर लेके जाना है। और जब भी हम लोग के शॉर्ट हेयर होते हैं, क्लाइंट के लंबे हेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शॉर्ट हेयर होते हैं तो कभी कभी हम लोग के जो नीचे के शॉर्ट हेयर होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग ऐसे प्रॉपरली स्ट्रेट पट्टी बना के ऐसे पकड़ेंगे और मेरी फिंगर कैसे रहेगी, लाइटली बैक साइड ऐसे ऊपर रहेगी, फ्रंट साइड में नीचे रहेगी। अभी मेरी इसकी गाइडलाइन ये रही, तो मैं गाइडलाइन को हेयर कट नहीं करूँगी, गाइडलाइन को छोड़ के फिर बाकी के हेयर कट में एक्स्ट्रा वाले कर दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे हेयर को चले जा रहे हैं, तो ये अपनी लेंथ नहीं जा रही है, ये अपने स्टेप आ रहे हैं, तो स्टेप के लिए तो अपने को कट करना ही पड़ेगा। क्लाइंट को भी बोलना है, क्लाइंट भी कभी कभी डर जाते, बोलते अरे मेरे इतने सारे बाल चले गए, मगर वो उनकी लेंथ नहीं है, वो उनके स्टेप है। तो क्लाइंट को स्टेप चाहिए तो ऊपर से हेयर थोड़े शॉर्ट होंगे। अभी देख सकते हो स्टेप मिल गए, वन, ये पूरा का पूरा ऐसे आपको लुक आएगा स्टेप वाला। जब आप इसको ब्लो ड्राई करोगे, मैं ब्लो ड्राई का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि ब्लो ड्राई कैसे करते हैं। अभी आपको स्टेप कट ऐसे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि डमी है, जब आप क्लाइंट की हेयर पे स्टेप कट करोगे तो प्रॉपरली दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई और डमी के बालों पे मैं ब्लो ड्राई नहीं कर सकती हूँ। तो कभी भी आपको मैं ऐसा रहेगा तो मेरे क्लाइंट के हेयर पे जब मैं ब्लो ड्राई करूँगी तो वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना ब्लो ड्राई कैसे होता है। तो ये अपना हो गया मिडल पार्टीशन के स्टेप कट। सेम इसी मेथड से हम लोग करने हैं दूसरी साइड, मगर इसमें से कोई गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हाफ इंच का मेजरमेंट पकड़ के चलोगे तो आपके पूरे के पूरे स्टेप कट प्रॉपर आएंगे। तो इसके लिए आपको कभी भी हाफ इंच का मेजरमेंट पकड़ के चलना है, गाइडलाइन इसमें से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट के जब भी हेयर कट करते हो तो सबसे पहले ध्यान देना है क्लाइंट के बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, और बाकी उलझन ज़्यादा रहे तो पहले नॉट क्लीन करो एकदम से, उसके बाद आप हेयर कट करो। और अभी मैं जैसे मिडल पार्टीशन में हेयर कट किया वैसे ही इधर राइट साइड में कर रही हूँ। तो अभी देखो मैंने कॉम किया है, इधर भी वन साइड से कॉम करना है और हाथों से सीजर बनानी है। अभी ऐसे प्रॉपरली एक फ्लैट पट्टी की तरह पकड़ लेना है, फिर आप कितना भी हाथ ऊपर नीचे करो आपके बाल आपके फिंगर में से निकलने नहीं चाहिए, वैसे ही फिंगर रखो। और अभी मैं ऐसे स्लाइड कट करूँगी ऊपर साइड। और एक चीज़ का खास ध्यान देना है, आप जब भी कोई भी हेयर कट का प्रैक्टिस करते हो तो पहले फिंगर से पकड़ने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद सीजर चलाओ, क्योंकि आप एक बार हेयर कट कर दोगे डमी के बाल ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए पहले हाथों से पकड़ने की प्रैक्टिस करो बालों को, उसके बाद जाके सीजर चलाओ। तब तक सीजर मत चलाओ जब आपको लगता है कि हाँ मैं अभी प्रॉपरली पकड़ रही हूँ,
उसके बाद सीजर चलाओ, फिर आपका काम बहुत अच्छा होगा और कभी भी आपको हेयर कट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने 20 डिग्री किया था वैसे ही सेम अभी मैं 40 डिग्री कर रही हूँ। जैसे आपको मैंने बोला था हाफ इंच का मेजरमेंट पकड़ के चलोगे तो आपके जितने भी स्टेप कट करोगे सबका स्टेप उसी जगह पे आएंगे, नहीं तो आप ऊपर नीचे कर दोगे तो स्टेप अच्छे नहीं दिखेंगे, किसी साइड बाल छोटे किसी साइड बड़े दिखेंगे, तो वो नहीं करना है। अभी सेम इसको भी मैं 90 डिग्री पकड़ूंगी। जैसे अभी मैंने 90 डिग्री पकड़ा है तो नीचे के शॉर्ट हेयर मेरे निकल गए हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब 90 डिग्री भी सेम ऐसे देखो, अभी मैंने ओनली हाफ पार्टीशन में ही हेयर कट किया हूँ, आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहे होंगे स्टेप मेरे डमी के बालों के। अभी इसको प्रॉपर ब्लो ड्राई होंगे तो इतना अच्छा लुक आएगा। अभी सेम यही चीज हम लोग दूसरी साइड करेंगे। जैसे आपको मैंने बोला था गाइडलाइन लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है, अपने गाइडलाइन है 0 डिग्री वाले हेयर कट, जिससे ही अपने को गाइडलाइन पकड़ के चलना है। और गाइडलाइन 0 डिग्री वाले जो हेयर कट है उनकी गाइडलाइन नहीं जानी चाहिए। और 20 डिग्री पकड़ते हो तो हाफ इंच फिंगर पीछे रखो तो आपका ऑटोमेटिक हेयर अच्छे आएंगे। अभी मैंने सेम वही 20 डिग्री पे बालों को कॉम करके अच्छे से पकड़ा है, ये मैंने हाफ इंच फिंगर पीछे रखी है। अभी मैं ऐसे ऊपर लाइट स्लाइड करती जाऊंगी तो ऑटोमेटिक मेरे हेयर अच्छे स्टेप आएंगे और लुक अच्छा आएगा। अभी ओनली मैंने ऐसे छोड़ा है तो भी देख सकते हो कितना अच्छा स्टेप आ रहा है। तो सोचो अभी ये तो डमी के हेयर है, आप रियल हेयर में जब कट करोगे तो कितना अच्छा लुक आएगा। अभी यही हम लोग सेम 40 डिग्री पे करेंगे। ये सब एडवांस हेयर कट है, जैसे यू कट, वी कट, स्ट्रेट कट, ये अपने बेसिक हेयर कट हो गए। डायमंड लेयर और स्टेप कट ये सब एडवांस हेयर कट है, तो आप अपने हिसाब से क्लाइंट को एडवांस हेयर कट की प्राइस भी रख सकते हो। और अच्छे से अच्छा हेयर कट दोगे तो आपके क्लाइंट दूसरे कहीं से भी हेयर कट नहीं करवाएंगे, आपके पास ही कट करवाएंगे। इसके लिए बाल ऐसे कट करो कि क्लाइंट आपके दूसरी जगह पे ना जाए, आपके पास ही आए। और पहली बात कि क्लाइंट के बाल इतने शॉर्ट नहीं कर देने हैं कि क्लाइंट पछताए कि आपके पास हेयर कट करवा के बाप रे उसका तो गलती हो गया। जैसे अभी मैंने इसको 90 डिग्री पकड़ा है, सेम उस साइड भी मैंने 90 अभी हम लोग 90 डिग्री पे जैसे अभी कट कर रहे हैं तो मैंने वैसे ही सेम फिंगर रखी है हाफ इंच पीछे, ये मेरा गाइडलाइन है। अभी मैं इसको लाइटली स्लाइड लेके कट करूँगी। अभी अपने स्टेप कट कंप्लीट हो चुके हैं बैक साइड के। तो जैसे आपको मैंने बताया कि कभी भी हेयर कट करते हो तो इतने भी शॉर्ट मत कर दो कि क्लाइंट पछताए। आपके अभी भी हेयर कट करते हो बहुत ध्यान दो, क्लाइंट के हेयर ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अभी मैं इसको पूरा का पूरा 90 डिग्री पकड़ूंगी एक बार अच्छे से फॉर्म करके। जो आपको मैं बोल रही थी ना कि डायमंड कट, तो आप स्टेप कट में लास्ट में ऐसे पूरा का पूरा 90 डिग्री पकड़ के जब कट दोगे बहुत अच्छा लुक आएगा। अभी ये मुझे जो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं उसको लाइटली मैं कट कर दूंगी। और अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे बालों को। मेरी पुरानी सीजर है इसके लिए ब्लीचिंग नहीं हो रही है, न्यू सीजर में ब्लीचिंग अच्छी होती है। आपको मैं क्लाइंट के हेयर में एक बार ब्लीचिंग करके बताऊंगी, जब ब्लो ड्राई का वीडियो बनाऊंगी उस टाइम पे, तो आप देख लेना। ओके, ये अपने हो गए स्टेप कट बैक साइड के। अभी कभी कभी क्लाइंट को या तो स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे फ्रंट में स्टेप कैसे आएंगे, तो फ्रंट में कोई टेंशन नहीं लेना है, स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्रंट में स्टेप करने जाओगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा, तो उससे बेटर आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट को फ्रंट साइड आप जाओ, क्लाइंट के एक साइड का सेक्शन लो। कभी भी ऐसे क्लाइंट को टेंशन हो जाता है या तो स्टूडेंट को भी टेंशन हो जाता है कि मेरे फ्रंट के स्टेप कट कैसे हो, तो फ्रंट के लिए स्टेप कट की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्रंट में एक चीज़ कर सकते हो,
लेयर कट। तो जैसे आपने डिवाइड किया था ईयर टू ईयर सेक्शन, उन दोनों को खोल देना है, हाफ सी लेना है फ्रंट में, हाफ सी लेके दोनों साइड से ऐसे बालों को लेना है और प्रॉपरली कॉम करना है। एकदम प्रॉपर कॉम कर देना है। फिर क्या करना है, क्लाइंट का फेस थोड़ा स्ट्रेट रखवाना है और बालों को ऐसे 0 डिग्री पे लेके जाना है। जीरो डिग्री पे लेके अब इस जैसे मेरी डमी है तो डमी का तो बॉडी नहीं रहेगा, क्लाइंट रहेंगे तो क्लाइंट का ऐसे आपको देखना है चीन या तो नेक। तो समझ लो अभी मैं नेक का ही ये पकड़ रही हूँ, तो नेक के हिसाब से मैं यहाँ से पूरे स्ट्रेट कट करूँगी, इतने स्ट्रेट कट कर दूँगी। ये अभी मेरे लिए फ्रंट की गाइडलाइन हो गई रेडी। अभी मैं क्या करूँगी, फ्रंट के जितने भी हेयर है एक साइड के सबको मैं ऊपर पकड़ूंगी। अभी देखो जैसे मैंने कम हेयर कट किए हैं तो मैं जब भी ऐसे ऊपर पकड़ रही हूँ तो उल्टे का मेरे ऊपर के बाल बड़े हो रहे हैं, नीचे के बाल छोटे हो रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका नेक नहीं अभी इनका चेन पकड़ेंगे। तो अभी मैं चेन तले की हेयर कट करूँगी, इनकी फ्लिक्स आ जाएगी। अभी हम लोग चीन कलर हेयर कट कर देंगे, अपने क्लाइंट की फ्लिक्स रेडी। ओके, अभी ये हो गए फ्रंट की गाइडलाइन। अभी हम लोग बैक साइड से पूरे बाल आगे लेंगे और अपनी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लाइंट हेयर कट करेंगे। ये अपने फ्रंट के लेयर हो गए। मेरी गाइडलाइन ऊपर और नीचे दोनों साइड है, दोनों साइड क्यों है, क्योंकि मुझे नीचे के ये वाले जो हेयर है उसको कट नहीं करना है और ऊपर की गाइडलाइन तलक बीच में जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है वो मुझे कट करने है। तो मेरी गाइडलाइन ये रही, ये इसकी गाइडलाइन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली कॉम करेंगे, नीचे के हेयर को छोड़ के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको हम लोग गाइडलाइन तलक कट करूंगी। अभी मैं इसको जब छोड़ूंगी तभी आप देखना कितना अच्छा लुक आएगा फ्रंट से। और इसको भी बीचिंग कर देना है जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे बीचिंग कर देना है। बीचिंग कर दोगे तो जब आप छोड़ोगे ऐसे प्रॉपरली तो आगे से मस्त एक लेयर वाला लुक आ जाएगा। देख सकते हो प्रॉपरली लेयर लुक आ गया है। सेम वही चीज हम लोग यहाँ से करेंगे। आप स्टेप कट में फ्रंट लेयर और बैक साइड स्टेप, आप क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि मैम आपको मैं लेयर विथ स्टेप कट दूंगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा, फिर वाह मेरे एक ही चीज़ में 2 हेयर कट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फ्रंट में कभी स्टेप नहीं करना है, फ्रंट में लेयर वाला लुक दे दो, बहुत अच्छा लुक आएगा। देख सकते हो ये रही मेरी गाइडलाइन। ये रही मेरे नीचे के इधर की गाइडलाइन। अभी मैं एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करूंगी गाइडलाइन को, रुको डमी की हेयर आगे से एकदम शॉर्ट नहीं कर देने हैं, गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना है, नहीं तो पीछे से यू या तो बी का जो हम लोग का लुक है वो खत्म हो जाएगा। हो गया दोनों साइड से। अभी हम लोग यही बालों को पीछे साइड लेके जाएंगे तो आपको देखो फ्लिक्स भी मिल गया। अभी फ्लिक्स में भी हल्का सा लेयर देना है, तो क्या करना है, पहले ऐसे प्रॉपरली बालों को पकड़ो कि लाइटली ऊपर से ऐसे कट कर दो। जैसे आपको फ्लिक्स में भी लेयर देने हैं तो आप क्या करो, प्रॉपरली ऐसे कॉम करो और ऐसे बालों को पकड़ो और क्या करो, लाइटली ऊपर से कैची से ऐसे बिचिंग करते आओ।
तो ये आपके फ्रंट में फ्लिप्स में लेयर हो गए। तो ये चीज़ का ध्यान देना, कभी कभी क्लाइंट आपके पास ओनली फ्लिक्स कट करवाने आते हैं, तो आप इसी तरीके से फ्लिक्स कट भी दे सकते हो, जैसे अभी मैंने दिया है इसी तरीके से आप फ्लिक्स कट देना। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड से लुक कैसा आ रहा है। ये देखो अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, आपको पूरे पूरे इसके कट दिख रहे हो। फ्रेंड जैसे आज आपको मैंने मेजरमेंट बताया, उसी मेजरमेंट के हिसाब से आप हेयर कट करोगे, तो आपने जो यू या तो वी कट का जो आपने गाइडलाइन लिया था वो आपका बिगड़ेगा नहीं। और देखो अभी मैंने दूसरी बार, मुझे यू और वी करने की जरूरत नहीं पड़ी। फ्रेंड आज आपको कैसा लगा स्टेप कट, ये आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से एक बार बताना। और आपको डायमंड कट का वीडियो देखना है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में बताना कि मैं आगे डायमंड कट का प्रॉपरली, जैसे अभी आपको मैंने बताया वैसे नहीं, प्रॉपरली डायमंड कट का वीडियो लेके आऊँ। तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट में बताना, तो मैं जितने मुझे कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं डायमंड कट का वीडियो लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।